क्या आप YouTube एल्गोरिथम से परेशान हैं? क्या आपको लग रहा है कि YouTube आपके वीडियोस रेकमेंड ही नहीं कर रहा है? आज हम आपको कुछ ऐसी बातें सिखाएंगे जिससे आप YouTube के एल्गोरिथम को बीट कर सकते हो। आपको एक फंडामेंटल चीज समझनी है, YouTube व्यूअर्स को एक ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस देना चाहता है और इसलिए अगर हमें YouTube के एल्गोरिथम को क्रैक करना है तो हमें YouTube की तरह सोचना होगा कैसे हम अपने व्यूअर्स के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस दे सकते हैं। YouTube चैनल को बिल्ड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ता है। अपनी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने का एक ही सलूशन है ताकि आप आपकी ग्रोथ को एक ऑर्गेनिक वे में होते हुए देख पाओ। तो सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या आप अपनी ऑडियंस के अराउंड कंटेंट बना रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक टारगेट ऑडियंस ढूंढना होगा सो दैट आपके रिपीट ऑडियंस हो सके तो आपके सारे वीडियोस देख सके। अगर आप सिर्फ ट्रेंडिंग या वायरल टॉपिक्स पे वीडियो बनाओगे तो आपके ऑडियंस को ये समझ ही नहीं पाएगी कि ये चैनल है किस चीज का या हम इस चैनल से एक्सपेक्ट क्या करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किस ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियोस ही ना बनाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपके चैनल के थीम से रिलेटेड है या जिन्हें आप कनेक्ट कर सकते हो उन पर वीडियोस बनाओ और अपना एक मिक्स ऐड करो, क्योंकि उनकी एक कोर ऑडियंस जरूरी है जो आपको इससे बिल्ड करने में हेल्प कर सकती है फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। सेकेंड क्वेश्चन, आपको खुद से पूछना है, क्या आपने अपना नीश ढूंढा? ये मैंने आपको हर वीडियो में पूछा है। एक कंसिस्टेंट ऑडियंस के लिए आपको अपने लिए एक नीश ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट यू कैन हैव अ कंसिस्टेंट ऑडियंस। एंड नीश के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कोशिश करें कि इट शुड बी समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, क्योंकि उसमें वो पैशन, वो जोश भर के आएगा जो आपकी ऑडियंस उसे सेंस कर लेगी। एंड जो आपकी ऑडियंस आपके चैनल से अटैच होगी उसके बाद उसे आपसे हटाना नामुमकिन है। तीसरा क्वेश्चन, आपको खुद से पूछना है, क्या आप टैग्स और डिस्क्रिप्शन के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च करते हो? आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन, आपके वीडियो में कुछ ऐड करना चाहिए, चाहे वो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हो या रिसोर्स लिंक हो, लेकिन एक एडिशनल वैल्यू पॉइंट होना ही है। अननेसेसरी और दुनिया भर के टैग्स ऐड ना करें। गूगल ट्रेंड से यू कैन गेट टू नो कि कौन से कीवर्ड्स एंड टैग्स मोस्ट पॉपुलर है, जो वैल्यू एडिंग है, जो लोग सर्च करते हैं स्पेशली इन योर नीश, वो टैग्स को यूज करें, क्योंकि यूट्यूब का एआई अभी अननेसेसरी टैग्स को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है और इससे आपके वीडियो के रिजल्ट्स को नीचे पुश हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसे रिसर्च करके आपके डिस्क्रिप्शन में, आपके टैग्स में वही चीजें डालो जो आपके नीश से और वीडियो से रिलेटेड है, जो आपकी बिजनेस डिटेल्स हो या सोशल मीडिया लिंक्स हो, तो YouTube एल्गोरिथम उसे प्रमोट करेगा। देखिए, YouTube एल्गोरिथम ये वर्ड सुनने में काफी खतरनाक लगता है, बट अगर हम इसकी वर्किंग एक बार समझ लेना तो इसमें क्या वर्क करता है और क्या नहीं वर्क करता है वो बहुत आसान हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद कंटेंट, रिजल्ट्स ड्यू टू योर एक्शंस विल ऑलवेज बी ऑन योर फिंगर टिप्स। सो अभी के लिए आपके फिंगर टिप पे मेरा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन है, और प्लीज आपके फिंगर टिप से मुझे ये बताओ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है, बिकॉज ट्रस्ट मी, मैं रिसर्च करती हूँ मेरे कॉमेंट सेक्शन से और मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपकी चॉइस से। सो गाइज, तब तक मैं चलती हूँ, अलविदा। दिस इज कनिष्का ठाकुर फ्रॉम मनी ऐप साइनिंग ऑफ।